अगली शेर कुछ यूं है कि दर्द तो बहुतों ने दिया पर जो तूने दिया उसे जख्म कहूंगा, कि दर्द तो बहुतों ने दिया पर जो तूने दिया उसे जख्म कहूंगा। और तुम हर मोड़ पर साथ रहोगी करती थी, उस वादे को मैं कसम कहूंगा। और हाँ मैं लिखता हूँ तो तेरी बेवफाई पर भी नज़्म लिखूंगा, और हाँ मैं लिखता हूँ तो तेरी बेवफाई पर भी नज़्म लिखूंगा। अगला है कि हमारी जिंदगी में हमारा उम्र ये किस तरह बढ़ता है। पिछले साल हम 20 साल के थे, इस बार 21 के हो गए, अगले साल आएगा 22 के हो जाएंगे, किस तरह। लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता इस बीतते समय का हम पर। तो उस समय लिखा था कि हमारी उम्र का भी एक उम्र है जो गुजर ही जाएगा, कि हमारी उम्र का भी एक उम्र है जो गुजर ही जाएगा, जो है दिखता करीब वो कभी नजर ही नहीं आएगा। और ये इस जिंदगी के भाग दौड़ में कब पूरी उम्र गुजर गई कभी खबर ही नहीं आएगा। अगला शेर है कि कभी कभी अपने लोग जो बहुत करीबी होते हैं वो कभी कभी अपने भीतर छुपे दर्द को ही नहीं देख पाते। उस समय मैंने लिखा था कि अपनों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने वाला आज हार गया, कि अपनों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने वाला आज हार गया। बिखर रहे थे सब अपने, उनको जोड़ने का उसका अथक प्रयास बेकार गया। और सबकी भला चाहने वाले के साथ बुरा हुआ, अपनों ने उसे वो दर्द दिया और दर्द के हद से गुजार दिया। नेक्स्ट शायरी मैंने अपने एक फैंस के लिए लिखा था। एक कमेंट आया था मेरे को कि कुछ मैं आपके बारे में इस तरह का सोचता हूँ। मैंने उसके सोच को शायरी में कंपोज किया है कुछ यूं कि क्या कर रहे हैं, लगता है कहीं जा रहे हैं, ज़रा हमारे तरफ भी आइए जनाब। वो बोलना क्या चाहता था कि क्या कर रहे हैं, लगता है कहीं जा रहे हैं, ज़रा हमारे तरफ भी आइए जनाब, हम भी करते हैं खातिरदारी का मौका, ज़रा हमें भी फरमाइए जनाब। और सुने हैं करते हो आप शायरी, और सुने हैं करते हो आप शायरी, वो मेरे बारे में जानता था कि मैं पोइट्री करता हूँ, कि सुने हैं करते हो आप शायरी, ज़रा एकागो महफिल में हमें भी बुलाइए जनाब। उसका ये कमेंट पढ़कर ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगला है कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह हमें हर छोटी छोटी बात में ठोकर लगती है, हर छोटे से गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ यूँ है कि सब जैसे थे हम भी वैसे ही थे, कि सब जैसे थे हम भी वैसे ही थे, तो ये भेदभाव क्यों। ठोकर तो हर किसी को लगता है, फिर ठोकरों का मुझसे इतना लगाव क्यों। अर्थात उसकी ज़िंदगी में बार बार परेशानी आ रही थी, तो वो बताया था और मैंने कंपोज किया था कि सब जैसे थे हम भी वैसे ही थे तो ये भेदभाव क्यों, ठोकर तो हर किसी को लगता है तो ठोकरों का मुझसे इतना लगाव क्यों। और जिम्मेदारी के बेड़ियों ने मेरे पाँव को जकड़ा हुआ है, कि जिम्मेदारी के बेड़ियों ने मेरे पाँव को जकड़ा हुआ है, वरना मैं भी उड़ता पर यहाँ आसमां का अभाव क्यों। अगली इस जिंदगी को मिलने की खुशी में मैंने लिखा था कि ये जिंदगी भी कमाल की, इसकी एहसासे भी कमाल की, ये जिंदगी भी कमाल की, इसकी एहसासे भी कमाल की, उसके मिलने की एहसास इतनी खूबसूरत थी, उसके मिलने की एहसास इतनी खूबसूरत थी, वो भी कमाल की, उसकी बोली और सिखाई लफ्जे भी कमाल की। कमेंट में बताइएगा यह शेर कैसे लगे आपको। धन्यवाद।